हेलो दोस्तों, मैं योगेश ठाकुर फिर से आपके लिए सॉल्व पेपर लेके आया हूँ। सेट एग्जाम 28 जनवरी 2018 का और फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का सेट ए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, लास्ट 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उसमें मैंने पेपर नंबर 3 कवर किया है। अब आज मैं पेपर नंबर 2 का आपको जानकारी देने वाला हूँ कि उसके आंसर्स क्या थे। और जो दोस्तों जो क्वेश्चंस मैंने स्कीप किए हैं, जिसके आंसर्स मुझे नहीं मिले हैं, तो प्लीज आप उसको अगर आपके पास उसके आंसर्स है, कुछ उसके रेफरेंसेस है, तो प्लीज कमेंट में आप ये कीजिए। और लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो के लिए आप नीचे के दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बताया था कि फिजिकल एजुकेशन नेट और सेट एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन जो आते हैं जो इजी होते हैं, कुछ हार्ड है, तो उसे किस तरह से हम याद रख सकते हैं और करना है, इसके लिए मैं पूरी सीरीज चलाने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो आप मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको लेटेस्ट उसके वीडियोस मिलते रहेंगे दोस्तों। और इसके अलावा 15 मार्च से पहले मेरा एक फिजिकल एजुकेशन शॉर्ट नोट्स एंड टर्मिनोलॉजी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों, तो उसे भी आप डाउनलोड करके, बहुत ही हेल्पफुल है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, बहुत सारे हार्ड वर्ड्स के क्या मीनिंग होते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैच द पेयर्स आपको उसमें मिलेंगे, उसके आंसर्स मिलेंगे। अभी तक जितने मैच द पेयर्स पूछे गए उसके भी आंसर आपको वहां पे मिलेंगे। और इसी के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज का जो लिंक दिया हुआ है, लास्ट 1.5 ईयर से मैंने उसको, वो एक्टिव नहीं है, लेकिन अभी मैं उसको एक्टिव कर रहा हूँ और आपको उस पर भी बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो लाइक माई पेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन बाय योगेश ठाकुर, उसे भी आप लाइक करके फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको अपडेट्स उस पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पेपर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या उसके आंसर्स होने चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 था दोस्तों, आइडियलिज्म फिलोसॉफी इज डेवलप्ड बाय, तो दोस्तों किसने डेवलप किया था, तो इसका आंसर है ए, प्लेटो ने डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 2, द सेंट्रल थीम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, फिजिकल एजुकेशन इज ऑल अबाउट मैन इन मोशन, सो इसका आंसर डी है दोस्तों, मैन इन मोशन, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, सोशल एटीट्यूड इज अ बोरोमीटर ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में जो सोशल एटीट्यूड इज अ बोरोमीटर, ऐसे किसने बोला था, तो इसने इसको इसका आंसर है दोस्तों बी, एडलर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कम्स अंडर द सोशल मोटिव, सोशल मोटिव के अंदर अंडर में कौन सा कंपोनेंट्स आता है, तो इसमें है दोस्तों सी, अग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6, ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन इज नो, ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन इज नोन एज, पूछा गया है दोस्तों, तो ये है एनाबेरिक अनएरोबिक थ्रेशोल्ड, इसका आंसर बी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, वुमन एथलीट हु आर यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ये दोस्तों डोपिंग सब्सटेंस है जो यूज किया जाता है एथलीट्स के द्वारा, वुमन एथलीट्स के द्वारा, और मेन भी उसे यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वुमन के बारे में पूछा गया है। आर इनवाइटिंग हेल्थ हजार्ड रिलेटिंग टू, अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड हम ज्यादा मात्रा में अगर लेते हैं तो हेल्थ हजार्ड क्या हो सकते हैं वुमन्स के कंसर्न में। सो दोस्तों आंसर पहले से यहाँ डिस्प्ले हो चुका है, आंसर इसका बी है, जो ऑप्शंस मिले थे, लेकिन उसमें 1, 4 एंड 5 आर करेक्ट। 1, लीवर का डिसफंक्शन होता है, लीवर प्रॉपरली फंक्शंस करना बंद कर देता है, इनफर्टिलिटी भी आता है वुमन्स में, और 5th जो ग्रोथ ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उनके दाढ़ी या मूछ के बाल आना, ऐसे जो सिम्टम्स दिखते हैं वो ज्यादा मात्रा में एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने से होता है दोस्तों, उसका आंसर बी था। सो क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन द टिश्यू ऑक्सीडेशन, टिश्यू ऑक्सीडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और वो ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, वहां से ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स में से जो हम सांस अंदर लेते हैं, जो भी एयर हम अंदर लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन वहां से फिल्टर्ड होके लंग से वाया हार्ट या हर एक टिश्यू तक जाता है, और ये लेके जाने का काम किसका है दोस्तों, तो ये है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द कंडक्टर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, ब्लड सर्कुलेशन जब होता है
तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है टिश्यूज तक, और टिश्यू में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे फॉर्म होता है उसको लेके वापस आने का काम करता है हीमोग्लोबिन ही करता है। तो हीमोग्लोबिन का काम है लंग्स से वाया हार्ट ऑक्सीजन लेके जाना और टिश्यू तक लेके जाना, हर एक टिश्यू तक उसे पहुंचाना, और टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन के बाद तैयार होता है उसको वापस लेके आने का काम करता है हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही आसान था, अगर आपको ये प्रोसेस अगर पता होती तो आप इजीली इसका आंसर लिख के आते। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब लंग से, इसका सी जो ऑप्शन दिया हुआ है, लंग से प्योर ब्लड जिसे हम बोलते हैं वो रिच इन ऑक्सीजन होता है तो वो लेके जाता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, लेकिन जब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है वापस तब उसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर डी है दोस्तों, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 10, स्पोर्ट्स इंजरीज आर ट्रीटेड यूजिंग, क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरीज कैसे ट्रीट किए जाते हैं, तो वो है डायथर्मिस है दोस्तों, इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 11, बाइसेप्स फेमोरिस इज अ मेजर मसल ऑफ, बाइसेप्स फेमोरिस, देखिए दोस्तों बाइसेप्स फेमोरिस ये जो मसल है ये थाई मसल है, तो पहले ए और बी ऑप्शन तो यहां से निकाल ही दीजिए, अब बचते सी एंड डी। अब बाइसेप्स फेमोरिस का इन्होंने पूछा है एंटेरियर साइड ऑफ द थाई या पोस्टेरियर साइड ऑफ द थाई, दो में से एक आंसर सही है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों डी, पोस्टेरियर साइड ऑफ द थाई मसल। काइफोसिस इज डिफॉर्मिटी ऑफ वर्टेबल कॉलम, जो स्पाइन हम जिसे कहते हैं उसका ये डिफॉर्मिटी है, तो एक अब जैसे कि हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड के कुछ रीजन्स है, थोरेसिक है, लुम्बर है, कॉसिक है, तो ऐसे जो उसके रीजन है तो वो कौन से रीजन में काइफोसिस होती है, तो इसका आंसर सी है दोस्तों, थोरेसिक रीजन में होती है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी, एनी बॉडी का स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है डी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एज ऑफ सपोर्ट। तो दोस्तों ये बायोमैकेनिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मैं और एक आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर पूछते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पूछते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट, बेस का सपोर्ट पे ये कितना बेस का सपोर्ट आप ले रहे हो उसका साइज क्या है, इस पे स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजिशन फ्रॉम द फ्रॉम एज ऑफ द सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में या कोई भी सेट या नेट में अगर पूछते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बेस के साइज पे वो डिपेंड करता है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों डी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम एज ऑफ सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, इनर्शिया जड़त्व जिसे हम बोलते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, इसका आंसर है दोस्तों टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी है, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द मसाज इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, बॉडी फटिक में भी मसल होता है दोस्तों, मसाज होता है दोस्तों, मसल सोरनेस में भी होता है, मसल स्टिफनेस में भी मसाज हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्किन डिसीजेस में वी कांट अप्लाई मसाज, तो इसका आंसर सी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, फैक्टर एसोसिएटेड विथ कोहेंशन आर, फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ कोहेंशन आर, तो इसका आंसर है दोस्तों थर्ड एंड फोर्थ, एक दो तीन चार, वन टू थ्री फोर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उसका इसका ऑप्शन आपको सही ऑप्शन का कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है, तो इसका थर्ड एंड फोर्थ बराबर है, तो इसका आंसर सी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, द पर्सनल फैक्टर इन लर्निंग एज, पर्सनल फैक्टर्स इन लर्निंग एज, लर्निंग के लिए पर्सनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं,
दोस्तों फिटनेस फैक्टर भी हो सकता है लर्निंग के लिए, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और हेरिडिटी भी हो सकता है पर्सनल में. सो ऑल ऑफ द अबव आपको इसका आंसर चूज करना है दोस्तों. तो इसका आंसर डी था. क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग. फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऐसे लॉज है लर्निंग के, उसमें सेकेंडरी लॉ पूछा गया है, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 22, द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग इज ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स का है दोस्तों. इसका आंसर है डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल एथिक्स. नीचे गए ऑप्शन में से प्रोफेशनल के एथिक्स में क्या नहीं आता है, तो इसका आंसर है दोस्तों सी, डेवलपमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड सेल्फ सेंटर. ये प्रोफेशनल एथिक्स में नहीं आता है. तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोफेशनल एथिक्स. नीचे में भी चार पांच ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक दो नहीं होंगे और दो हो सकते हैं. जैसे 1 2 3 4 आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं और सही आपको चूज करने के लिए बोला जा सकता है. तो आपको इसका स्टडी करना होगा दोस्तों कि प्रोफेशनल एथिक्स आर हार्मनी बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट, ये प्रोफेशनल एथिक्स है. प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सिस्टम फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, वो भी प्रोफेशनल एथिक्स है. डेवलपमेंट ऑफ गुड कैरेक्टर, ये भी प्रोफेशनल एथिक्स में आता है. तो दोस्तों ये ऑप्शंस आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है नेक्स्ट एग्जाम एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए. तो इसका आंसर सी है दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड सेल्फ सेंटर प्रोफेशनल एथिक्स में कभी नहीं आता है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 24, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द LNCPE, नाउ LNIPE इसका नाम है, ग्वालियर में जो है, इन द ईयर कौन सी ईयर में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1957 में. इसका आंसर सी है दोस्तों. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क. करिकुलम फ्रेमवर्क, जब करिकुलम हम बनाते हैं तो उसके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए और उसके प्रिंसिपल जो होने चाहिए उसके अंदर नीचे गए क्या नहीं आता है प्रिंसिपल्स में, ये पूछा गया है दोस्तों. जब भी आप एग्जाम देते हो दोस्तों तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसे 2 या 3 बार पढ़ के ही उसका जवाब दीजिए करें, क्योंकि उस टाइम पे हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, मेंटली प्रेशर होता है. तो उस टाइम पे हमने शांति से और पूरा कंसंट्रेशन करके हर एक क्वेश्चन को पढ़ा जाना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है. तो यहाँ पे फिर से एक बार प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क के अंडर में जो नहीं आते हैं वो पूछा गया है. तो देखिए दोस्तों इसका आंसर ए है, रिजिडिटी कभी भी करिकुलम फ्रेमवर्क में नहीं होना चाहिए. करिकुलम फ्रेमवर्क जो रिजिड कभी नहीं होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए प्रिंसिपल्स. लास्ट क्वेश्चन जो था मैंने जिसमें आपको बताया था कि कैसे आपको याद रखना है, नेक्स्ट टाइम अगर नेट में पूछ सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क नीचे से आप चूज कीजिए, तो इसमें आप रिजिडिटी अगर हटा देते हैं तो आपको पता चलता है बी सी एंड डी आर द करिकुलम फ्रेमवर्क के प्रिंसिपल्स है. एक्सप्लिसिट नॉलेज ऑफ कोर वैल्यूज, फ्लेक्सिबिलिटी, डेवलपमेंट अप्रोच, ये होना चाहिए, रिजिडिटी नहीं होता है. तो इसका आंसर है दोस्तों ए. क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ डेफिनेशन दिया गया है दोस्तों. तो ये डेफिनेशन हेल्थ का है, तो ये किसने दिया गया, नीचे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है. तो ये डेफिनेशन है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ. सो ये डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है दोस्तों, WHO हम जिसे कहते हैं. इसका आंसर ए है दोस्तों. 27, कंप्लीट द कम्बशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जिसे हम बोलते हैं इन द बॉडी यील्ड्स डैश डैश किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना एनर्जी मिलता है, कितना किलो कैलोरीज मिलता है, तो इसका आंसर है 4.2. क्वेश्चन नंबर 28, इनडाइजेस्टिबल फाइब्रियस मटेरियल इन द फूड इज नोन एज, इसको रफेज कहा जाता है. सच एज, इसका आंसर सी है दोस्तों, सच एज सेलुलोज इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज इन मीट एंड फिश. तो इन इसका आंसर है दोस्तों सी, रफेज. बॉडी कंपोजिशन, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंड्योरेंस आर द कंपोनेंट्स ऑफ, ये किसके कंपोनेंट्स है,
ये हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट्स है दोस्तों। इसका आंसर डी है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। क्वेश्चन नंबर 30, हेपेटाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द, नीचे कुछ नाम दिए, ब्रेन, बोन्स, मसल्स एंड लिवर। तो हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन जो जो होता है जो दोस्तों, इट इज रिलेटेड टू द लिवर। डी इसका आंसर है, लिवर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर एंड्योरेंस ट्रेनिंग यू विल जनरली यूज, एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं। नीचे जो ऑप्शन दिए गए उसमें ऑप्शन डी सही है दोस्तों, लेस वेट एंड मोर रिपीटेशन हम उसके लिए यूज करते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम नीड्स टू वेरी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नीड टू वेरी टू अवॉइड बोर्डम एंड मेंटेन एथलीट्स। इसका आंसर ए है दोस्तों। 36 की तरफ जाते हैं, द वैल्यू ऑफ को इफिशियंट ऑफ को रिलेशन रेंजेस बिटवीन, सॉरी, वैल्यू ऑफ को इफिशियंट ऑफ को रिलेशन रेंजेस बिटवीन। इसका आंसर डी है दोस्तों, -1 से लेके +1 के बीच में उसका रिलेशन कभी भी आता है। क्वेश्चन नंबर 37, मोड इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट कंसिडर्ड एज फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग स्कोर, मोड मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग स्कोर, एवरेज ऑफ द स्कोर जो होता है उसे सम ऑफ द स्कोर हम कहते हैं दोस्तों, तो वो उसे मीन कहते हैं। वैल्यू इन मिडिल, मिडिल जो आता है उसको हम मीडियन कहते हैं। सम ऑफ ऑल स्कोर्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इसका आंसर बी है दोस्तों, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग स्कोर्स। क्वेश्चन नंबर 38, जो रिसर्च से पूछा गया था, क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसका आंसर बी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 अगेन रिसर्च से था, अ वेरिएबल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंज इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसका आंसर बी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिंग रिप्रेजेंट द प्योर मेसोमॉर्फ विजुअल। शेल्डन ने बताया था और उन्होंने नंबर के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया था, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और एक्टो मेसो मेजो, हाँ मेसो मेजो एंड एक्टोमार्फ। तो इसका आंसर बी है दोस्तों, 171। क्वेश्चन नंबर 42, मैच द पेयर्स लिस्ट फर्स्ट से आपको क्या रिलेशन है, लिस्ट टू में सही कॉम्बिनेशन मैच करके इसका आंसर देना था। तो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो है दोस्तों, वो शटल 1 माइल रन एंड वॉक से होता है, शटल रन से नहीं होता है दोस्तों, शटल रन से एजिलिटी होता है। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस 1 माइल रन एंड वॉक, पावर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है, एजिलिटी शटल रन से होता है और स्पीड यहाँ पे 30 मीटर फ्लाई से हम मेजर करते हैं। तो ये इसका सही कॉम्बिनेशन है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है लिस्ट टू में, दैट इज सीट एंड रीच। अगर इधर फ्लेक्सिबिलिटी पूछा जाता तो उसका आंसर होता था सीट एंड रीच, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इधर पूछा नहीं गया है तो सीट एंड रीच यहाँ से पहले ही निकल जाएगा। तो आप इसका आंसर इजीली चूज कर सकते थे, जिसमें फर्स्ट नहीं है वो, तो जिसमें फर्स्ट दिया गया है जिस ऑप्शंस में, तो वो आंसर नहीं होना था। फिर अभी इसका सही कॉम्बिनेशन आंसर जो है जो दोस्तों सी है। क्वेश्चन नंबर 44, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजर द रेंज ऑफ मोशन ऑफ ज्वाइंट, गोनियोमीटर। इसका आंसर है दोस्तों, कैपिलर फैट के लिए होता है डायनामोमीटर, आपके हैंड की स्ट्रेंथ इसके लिए होता है, आर्गोमीटर आपका लंग्स कैपेसिटी के लिए यूज होता है दोस्तों, स्पायरोमीटर भी हम जिसे बोलते हैं। इंट्रामुरल प्रोग्राम्स क्रिएट्स इन स्टूडेंट्स द सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। सो इसका आंसर बी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी,